दोस्तों एक वाइस पर्सन ने बहुत खूब कहा है कि हमारे डेली हैबिट्स की चेन्स हमें तब तक बहुत हल्की लगती है जब तक वो इतनी भारी नहीं हो जाती कि फिर हमें उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल हो। अब ये बात तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारी हैबिट्स ही हमारी फिजिकल हेल्थ और लाइफ को सीधे तौर में अफेक्ट करती है, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जो उनके ब्रेन को, थॉट प्रोसेस को, लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी फंक्शंस को रोज नुकसान पहुंचा के डैमेज करती जा रही हैं। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हम आपको ऐसी 11 हैबिट्स बताने वाले हैं जो आप अनजाने में रोज करते जा रहे हो और जो आपके ब्रेन को डैमेज करती जा रही हैं। तो आप समय रहते इन हैबिट्स को ठीक करो ताकि आपका ब्रेन हेल्दी हो ना कि डैमेज। सो नंबर 1, लाउड म्यूजिक। अगर आपके कानों पे ऑलमोस्ट हर वक्त ईयरफोन या हेडफोन लगे रहते हैं और उसमें फुल वॉल्यूम पे आपके फेवरेट सॉन्ग्स, शोज या वीडियोस चलती रहती हैं, तो ये हमारे रिक्वेस्ट है कि आप वॉल्यूम डाउन करके अपने कानों में थोड़ा रहम खाओ, क्योंकि दोस्तों रिसेंट स्टडी में पता चला है कि 30 मिनट्स तक बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना हमारी सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ठीक से ना सुन पाने की प्रॉब्लम कॉग्निटिव डिक्लाइन से सीधा लिंक्ड होती है और यही कम या बिल्कुल भी ना सुन पाना हमारे ब्रेन टिश्यूज में कमी का भी कारण बन सकता है, साथ ही अल्जाइमर्स होने का रिस्क भी बढ़ा देता है। एक्चुअली हमारे ईयर्स को अडेप्शन की आदत होती है, तो काफी देर लाउड म्यूजिक सुनने के बाद हमारे कानों को लगता है कि ये वॉल्यूम नॉर्मल है, तभी जो बैकग्राउंड में बज रहा तेज वॉल्यूम किसी के लिए नॉर्मल वॉल्यूम हो वही दूसरे पर्सन को हद से ज्यादा तेज लग सकता है। तो आदत डालिए कि मौजूदा वॉल्यूम से आप 50% वॉल्यूम कम करके सुने। नंबर 2, ओवर ईटिंग। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो वो नुकसानदायक होती है और यही चीज हमारी खाने की आदत पे भी अप्लाई होती है, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ स्नैक्स या मील्स खाने की आदत कब ओवर ईटिंग की आदत बन जाती है ये पता ही नहीं चलता है। शायद आपको ये सुनने में अभी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ओवर ईटिंग के कारण कोलेस्ट्रॉल प्लाक बनाता है और ये जमा होके ब्लड वेसल्स में थिकनेस बढ़ाता है और फिर यही प्रोसेस ब्रेन सेल्स के लिए पहुंचने वाले ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। साथ ही ओवर ईटिंग अल्जाइमर जैसे डिजीज का भी कारण बनता है। यही ओवर ईटिंग की वजह से होने वाली ओबेसिटी के कारण लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नंबर 3, नॉट स्लीपिंग इनफ। स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी ओवरऑल हेल्थ का, लेकिन अगर हिस्ट्री से कंपेयर करें तो वक्त बढ़ने के साथ ही हम ह्यूमंस ने अपनी स्लीप लेने की टाइमिंग को पहले से बहुत ज्यादा कम कर दिया है, क्योंकि सन 1900 में लोग लगभग रोज 9 घंटे की नींद लेते थे, तो वहीं सन 1970 में ये नंबर घट के 7.5 आवर्स में आ गया। CDC के एक स्टडी में 440,000 लोगों ने पोल करके बताया कि वो रोज 7 घंटे से भी कम सोते हैं, जबकि स्टडी शो करती है कि जरूरत के अकॉर्डिंग अगर नींद ना ली जाए तो ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को कम करती है और एक्चुअली ये ब्रेन सेल्स को भी कमजोर करती है, तभी मोस्टली लोग लेजी फील करते हैं, सही से सोच नहीं पाते या कोई भी काम प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाते। नंबर 4, नॉट गेटिंग इनफ नेचुरल सनलाइट। जैसे प्लांट्स को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, वैसे ही हम ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी है। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है और यही सन रेज हमारे ब्रेन के जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव वे में अफेक्ट करती है, क्योंकि सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल का प्रोडक्शन बढ़ाती है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ ही इम्प्रूव भी करता है। लेकिन अगर हम काफी टाइम तक डार्क प्लेस में ही बैठे रहते हैं और सनलाइट नहीं लेते तो ये आदत हमारे बॉडी की सर्केडियन रिदम को खराब करती है, साथ ही डिप्रेशन, सैडनेस, लेजीनेस या अलोन रहने का भी कारण बन सकता है, तो रोज कुछ देर सनलाइट जरूर लें। नंबर 5, टू मच स्ट्रेस। दोस्तों सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हर तरीके का स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं होता। कुछ स्ट्रेस जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, जो कि हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी लाइफ सही जा रही है या नहीं, या हमें हमारे गोल्स डेडलाइन पे ही खत्म करने हैं। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, और ये वेट गेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स का इंसान बहुत आसानी से शिकार बन जाता है। नंबर 6, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब कोई पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करता, बल्कि वो अपना ज्यादातर टाइम सिर्फ बैठे बैठे ही बिताता है, तो इसका मतलब यह है कि वो पर्सन एक सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, और जो लोग ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर के। साथ ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना हमारे सभी ब्लड वेसल्स में ब्लड की सप्लाई स्लो करता है और हमारे ब्रेन को भी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तभी लेजीनेस और ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जगह आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जियो, जिसके लिए आप रोज 30 मिनट्स के लिए वॉक पे जा सकते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 7, टू मच शुगर।
एक लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा शुगर या मीठा लेने से हमारी बॉडी के नेचुरल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खराब हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन नहीं मिल पाता और आगे चल के यही चीज मेल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि फिर हमारी ब्रेन ग्रोथ में रुकावट भी बन सकती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और फिर इसी वजह से हमारे ब्रेन को भी अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो अगली बार अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो आप फ्रूट्स भी खा सकते हो। नंबर 8, नॉट एंगेजिंग इन स्टिम्युलस एक्टिविटीज। हमारी बाकी के मसल्स की तरह ही हमारा ब्रेन भी है। अगर आप इसको रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो उसकी एबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ना या न्यू स्किल्स सीखना बिल्कुल ही बंद कर देते हो तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी भी वक्त के साथ कम होती जाएगी। और ब्रेन का मेन यही काम है कि इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में सोचना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। रिसर्चेस शो करती हैं कि जो लोग बिल्कुल भी न्यू चीजें नहीं सीखते, लोगों से डीप कॉन्वर्सेशन नहीं करते या किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, उनकी ब्रेन की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसे ठीक करने के लिए आप बुक्स पढ़िए, मुश्किल पजल सॉल्व करिए या खुद से और लोगों से डीप कॉन्वर्सेशन करिए। नंबर 9, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बॉडी में 60-72% के बीच पानी होता है, जिसका मतलब है कि वाटर हमारी ओवरऑल बॉडी में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम दिन भर में अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम पानी पीते हैं तो इसे डिहाइड्रेशन की स्टेट कहा जाता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स लाइक माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन और इवन किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो इसका कारण आपकी पानी कम पीने की आदत भी हो सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी कहती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी और मसल्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है और अगर हमारी बॉडी में जरूरत के हिसाब से पानी नहीं होगा तो हमारी ब्रेन में सेल्स भी एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 10, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन हम फ्री में पा सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स करके, और यही इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कारण बन गया है जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का। जहाँ लोग दिन भर इंटरनेट, टीवी या अलग सोर्सेज की जगह से नई इन्फॉर्मेशन नॉन स्टॉप लेते रहते हैं सिर्फ इस डर से कि कुछ ऐसा ना छूट जाए जो उनके लिए मे भी जरूरी हो सकता है, बिना ये समझे कि उनकी ब्रेन की भी एक डेली कैपेसिटी है और उसे भी रेस्ट चाहिए होता है। तो रोज अपने ब्रेन का सही यूज करने के लिए आप इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डालिए जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं लेते तो ये आपकी एंग्जाइटी का कारण भी बन सकता है। नंबर 11, स्मोकिंग। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो एरिया होता है जो इम्पोर्टेंट थॉट्स को प्रोसेस करता है, जैसे कि मेमोरी, लैंग्वेज एंड परसेप्शन, और इस हिस्से की पावर देखी जाए तो उम्र बढ़ने के साथ ही बुढ़ापे तक कम हो जाती है। लेकिन स्मोकिंग की आदत वक्त से पहले और कम उम्र में ही इस प्रोसेस को बहुत तेज बढ़ा देती है, जिस वजह से फिर अल्जाइमर जैसे डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन वक्त रहते स्मोकिंग छोड़ देना हमारी ब्रेन की कंडीशन स्लोली लेकिन बेटर जरूर कर सकता है। इन शॉर्ट, स्मोकिंग आपके लंग्स और ब्रेन के लिए लॉन्ग रन में एक जहर की तरह है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।